हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे धर्म और विज्ञान में अंतर। धर्म किसी वस्तु का वह गुण है जिसे उससे अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ चीनी का धर्म मिठास, विज्ञान भगवान की शक्ति का अनुभव गम ज्ञान है। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। विज्ञान पूरे तरीके से धार्मिक है क्योंकि धर्म है सत्य को जानना और विज्ञान भी सत्य को ही जानना चाहता है। नंबर 1, हिंदू धर्म में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक तर्क है, पानी के बीच से आने वाले सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुंचती हैं तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। नंबर 2, भारतीय महिलाएं हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क है, हाथों में चूड़ियां पहनने से त्वचा और चूड़ी के बीच जब घर्षण होता है तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के रक्त संचार को नियंत्रित करती है। साथ ही ढेर सारी चूड़ियाँ होने की वजह से वो ऊर्जा बाहर निकलने की बजाय शरीर के अंदर चली जाती है। नंबर 3, शादीशुदा हिंदू महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? इसका वैज्ञानिक तर्क है, सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चूंकि इससे यौन उत्तेजना भी बढ़ती है इसलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है, इससे स्ट्रेस भी कम होता है। नंबर 4, हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिलें तो उसके चरण स्पर्श करें। यह हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें। इसका वैज्ञानिक तर्क है, मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें 2 प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटों के हाथों तक, या फिर छोटों के हाथों से बड़ों के पैरों तक। नंबर 5, भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक तर्क है, दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टर का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। तो सो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें एंड जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।